India remembers Mahatma Gandhi on his 74th death anniversary. Congress MP Rahul Gandhi, however, stoked a fresh controversy today on Gandhi's death anniversary. He raised the Hindutva debate. The Congress Member of Parliament from Wayanad has said, I quote here, a Hindutva Vadi had killed Gandhi, and adding that Mahatma was still alive in the truth. He's what he said exactly, and you can see that on your screens that I quote here precisely, a Hindutva Vadi shot Gandhiji. All Hindutvaists feel that Gandhiji is no more. Where there is truth, Bapu is still alive there, unquote. Meanwhile, apart from this, tributes have been pouring in from all political spectrum for Bapu. Prime Minister Modi, President Kovind, several other leaders paying tribute to the father of nation, as Mahatma Gandhi was called, and that happening at the Rajghat. Prime Minister Modi also giving his tribute said, and I quote here, it is our collective endeavour to further popularize the noble ideals of Bapu, unquote. Union Home Minister Amit Shah unveiled a grand wall mural of Gandhiji at the Sabarmati Riverfront in Gujarat's Ahmedabad, made of 2,975 clay kulhar or earthen cups, as they are called, put together by 75 potters across India. देखिए, राहुल गांधी की हिंदुत्व की समझ और गांधी की जानकारी बहुत ही कम है और कमजोर है. लेकिन राहुल गांधी जो जिस तरह से हिंदुत्व को से नाथुराम गोडसे को जोड़ रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ऐसा करके मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करना है. उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं. जब जब चुनाव का समय आता है तो राहुल गांधी को गोडसे याद आ जाता है. राहुल गांधी हिंदुत्व को असभ्य और अमर्यादित भाषा में परिभाषित करने लगते हैं और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है. दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं. कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है. राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए. यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड. देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली, तो जिन्ना को गोली मारता. गांधी को क्यों गोली मारता भाई? पाकिस्तान की जो मांग थी वो जिन्ना की मांग थी. अगर हिम्मत थी आपकी, आप मर्द थे, अपने मर्दानगी थी किसी में, ऐसे लोगों में, तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान की मांग करने के बाद जिसने यह इंसाफ फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता. गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं था.